ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय ओपिनियन चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, दिस इज जमान और आप देख रहे हो माय ओपिनियन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग के बारे में, उसको समझेंगे कि क्या एक्चुअली होता है एथिकल हैकिंग और उसको कैसे किया जाता है और उसको क्यों करते हैं और उसका स्कोप क्या है, इंडिया में उसका स्कोप कैसा है, अगर कोई उसको करियर बनाना चाहता है तो वो कैसे है और एक अच्छा एथिकल हैकर कितना कमा लेता है एवरेजली, तो इसी सब चीजों पे आप बात करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, एक छोटे से इंट्रो के साथ इसको शुरू करते हैं। तो सबसे तो पहले हमें समझना पड़ेगा एथिकल हैकिंग होता क्या है। हैकिंग तो हैकिंग है, एथिकल अनएथिकल ये चीज होती क्या है। दोस्तों, एक एथिकल हैकर एक कंपनी या फिर एक सिस्टम या नेटवर्क के ओनर के परमिशन के साथ, उसके रिटर्न अप्रूवल के साथ उसके नेटवर्क या उसके सिस्टम में वो जाता है। एक एथिकल हैकर एक अनएथिकल हैकर की तरह प्रिटेंड करता है और उसके एक्शंस और उसके इंटेंशंस को वो डुप्लीकेट करता है और वो सिस्टम या फिर नेटवर्क के अंदर ब्रेक इन करके वो आइडेंटिफाई करता है कि उस सिक्योरिटी में क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं और उस सिस्टम के या फिर उस नेटवर्क के जो भी इंफॉर्मेशन डेटा है उसके साथ एक अनएथिकल हैकर कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, इन चीज़ों को वो आइडेंटिफाई करता है और अपने ओनर या फिर जिसके साथ भी उसका अग्रीमेंट होता है उसको एक रिपोर्ट देता है और उसको एक एक्शन प्लान भी बनाता है और उसको और सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए या एडवांस सिक्योरिटी करने के लिए जो भी सजेशन है वो एक एथिकल हैकर देता है। दोस्तों, अगर एक सिंपल टर्म्स में बताया जाए, मैं एक कंपनी हूँ, मेरा एक नेटवर्क है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक हैकर को हायर करता हूँ और उसको एक अग्रीमेंट में लेके आता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई तुम एक हैकर की तरह सोचो, उसकी तरह समझो और मेरे जो नेटवर्क सिक्योरिटीज है उसमें ब्रेक इन करने की कोशिश करो, आप देखो कि मेरा सिक्योरिटी कितना अच्छा है या हैकर किस तरीके से उसको हैक कर सकता है या ब्रेक इन कर सकता है, उसको देखिए और मेरे इंफॉर्मेशन कितना सिक्योर है इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए और मुझे कुछ एक्शन प्लान है या फिर कुछ एक डिफेंस प्लान है तो मुझे वो आप सजेस्ट कीजिए। तो एक एथिकल हैकर क्या करेगा, मेरे साथ उस एग्रीमेंट में साइन इन करेगा और मेरे कहने पे वो मेरे सिस्टम या मेरे नेटवर्क के अंदर जाएगा और हैक करने की कोशिश करेगा। अब समझते हैं एथिकल हैकिंग होता क्या है और अनएथिकल हैकिंग होती क्या है। दोस्तों, एथिकल हैकिंग में हैकर अपने ओनर के परमिशन के साथ, उसके अप्रूवल के साथ उसके सिस्टम में या फिर नेटवर्क में घुसता है और देखता है। अनएथिकल हैकिंग में होता क्या है, ओनर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, ओनर को कोई नॉलेज नहीं रहेगा और कोई अप्रूवल या कुछ भी नहीं रहेगा और हैकर उसके सिस्टम में या फिर उसके नेटवर्क में घुस जाता है और जो भी उसका इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन के साथ वो कुछ भी माल फंक्शन कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। तो ये अनएथिकल हैकिंग है जो कि कंप्लीटली इलीगल। तो अब समझते हैं जो एथिकल हैकिंग है क्या वो लीगल है। हाँ दोस्तों, अगर हैकर अपने ओनर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं अगर उसके साथ स्टिक ऑन करके अगर वो काम करेगा तो डेफिनेटली एथिकल हैकिंग एक लीगल एक्टिविटी हो सकती है। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस से हटकर काम करेगा तो वही एथिकल हैकिंग अनएथिकल में टर्न हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हैकिंग का स्कोप इंडिया में कैसा है। दोस्तों, इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि इंफोसिस, विप्रो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हैकर्स को हायर करती हैं एथिकली हैकिंग करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, इंडिया में एथिकल हैकिंग को एज अ जॉब, एज अ करियर लेने के लिए स्कोप थोड़ा कम है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका स्कोप बढ़ जाए। तो अगर आप एथिकल हैकिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर उसमें आप काम करना चाहते हैं या फिर आपका इंटरेस्ट या फिर आपका जो पैशन एथिकल हैकिंग में है, तो अब हम जानेंगे कि कैसे एक अच्छा एथिकल हैकर बन सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इस सब्जेक्ट पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको श्योर कर दूं कि मैं कोई एक करियर एक्सपर्ट नहीं हूं। तो प्लीज आप कोई भी आपका करियर डिसीजन लेने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि प्लीज आप अपने फैमिली मेंबर्स से डिस्कस कर लें, आपके जो भी करियर एक्सपर्ट्स हैं, आपके जो कॉलेज के HODs होती हैं उनके साथ आप सब्जेक्ट पे बात करें, उनसे समझने की कोशिश करें क्योंकि ये करियर की बात है, बहुत सेंसिटिव बात है। तो इस वीडियो में मैं जो बात बोल रहा हूँ वो उस पर कम्प्लीटली डिपेंड हो के आप अपना करियर ना बनाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके जो भी एडवाइजर्स हैं, आपके कॉलेज के HODs हैं उनके साथ डिस्कस करें और अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल करें और
जो भी डिसीशन है आप ले। एक हैकर बनना चाहते हैं, एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी एक फाउंडेशन जो होता है, एजुकेशनल फाउंडेशन, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड पे हैं, 10th स्टैंडर्ड पे हैं, या फिर आप एक कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट या एडवाइस करूंगा कि प्लीज आप ध्यान दे के अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, पूरा एजुकेशन आप कंप्लीट करें। आप जो भी एक टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे कि बीएससी है, इंजीनियरिंग, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक टेक्निकल एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस का, जो भी आप कर रहे हो, उसको अच्छी तरीके से समझ के करें और कंप्लीट कर लें। उसके साथ आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप उसको भी अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लें, पढ़ लें और सीख लें, क्योंकि ये आपको आगे जाके बहुत मदद करेगी। आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन से लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सीखना है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के डेट पे जो चल रहे हैं, वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख लें और उसमें आप एक्सपर्ट हो जाए, यही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन करें और आप और एडवांस लेवल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ये भी मैं आपको एडवाइस करता हूँ। उसके साथ साथ आप नेटवर्किंग के कोर्सेस कर सकते हैं। सिस्को के बहुत सारे नेटवर्किंग कोर्सेस आते हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आप नेटवर्किंग के भी कोर्सेस कर लें, क्योंकि एक अच्छे एथिकल हैकर बनने के लिए आपको नेटवर्किंग की नॉलेज बहुत जरूरी है। तो एक अच्छा नेटवर्किंग नॉलेज ले लें और उसके साथ में आप विंडोज का भी नॉलेज ले लें। विंडोज के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन आते हैं, सन सर्टिफिकेशन आते हैं, तो आप उस सर्टिफिकेशन को भी कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वो भी सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लें। उसके साथ आता है आपको लिनक्स, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लिनक्स में भी आप पढ़ लें, उसका भी सर्टिफिकेशन आता है रेड हैट का, वो भी आप कोर्स कर लें। उसके बाद आता है एथिकल हैकिंग कोर्स। एथिकल हैकिंग कोर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा काउंसिल ऑफ एथिकल हैकिंग, वहां पे आप जाके उसका भी कोर्स कर सकते हैं। उसका भी एक सर्टिफिकेशन होता है जिसका नाम है CEH, वहां पे जाएं, आप उसका सर्टिफिकेशन कर लें। आपको मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके इस सब्जेक्ट, इस पॉइंट्स पे आपको ज्यादा और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ये सब सारी कोर्सेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, आप जाके वहां पे भी कर सकते हैं। जैसे ही आप काउंसिल ऑफ एथिकल हैकिंग का जो सर्टिफिकेशन ले लेते हो, तो आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हो जाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ और एक सर्टिफिकेशन है ISOEH, आप वो भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये दोनों सर्टिफिकेशन एडवांस लेवल के हैं। अगर जब आप ये दोनों सर्टिफिकेशन आप कंप्लीट कर लोगे, तो आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हो सकते हैं। दोस्तों आप बात करेंगे एक अच्छा एथिकल हैकर एवरेजली कितना कमा लेता है, ये बात तो डिपेंड करेगी कि वो बंदा किस कंपनी में काम कर रहा है और किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है या फिर किस नेटवर्क पे काम कर रहा है। समझ लीजिए अगर एक बंदा एथिकल हैकिंग, फ्रीलांसिंग एथिकल हैकिंग कर रहा है किसी भी कंपनी के लिए, जैसे कि फेसबुक ऐसी बड़ी कंपनीज के लिए, तो ये हैक के लिए उसे लगभग मिल जाएंगे 1.5 से 2 लाख रुपए। अगर वही बंदा एथिकल हैकिंग के लिए परमानेंटली जॉब कर रहा है, तो वो लगभग 3 से 6-7 लाख रुपए पर आना कमा लेगा। दोस्तों मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, अगर आप एक परफेक्ट एथिकल हैकर बनना चाहते हो, तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई कंपनी सिर्फ एक एथिकल हैकर को नहीं देखता। यानी उसको सिर्फ एक एथिकल हैकर ही नहीं चाहिए, उसको एक्चुअल में प्रोग्रामर चाहिए या फिर एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर चाहिए जो एथिकल हैकिंग कर सके। यानी एथिकल हैकिंग एक एडेड एडवांटेज हो उसके प्रोफाइल में, ऐसे एक एम्प्लॉय को या फिर ऐसे एक रिसोर्स को कंपनी देखती है। अगर आप जो मैंने आपको बताया है एजुकेशन पैटर्न, आप उस तरीके से एजुकेशन करके आएंगे, जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गए हो और उसके साथ आप एक नेटवर्क इंजीनियर भी हो और उसके साथ एडेड एडवांटेज में आप हैकिंग की सर्टिफिकेशन कर रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत स्कोप मिल जाएगा। और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो आपको यूजफुल रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों और एक बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एफर्टलेस है, आपको एक लाल बटन दिखेगा, सिर्फ वहां पे दबाना है और उसके बगल का जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट को मिस ना कर सकें।